हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। और कल है चैत्र की नवरात्रि, नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। आज अमावस्या है। पितृ दोष को लक्ष्मी रूप में किस तरीके से बदला जाएगा और वीडियो के माध्यम से उसको सुनेंगे, अच्छी तरह समझना है कि उपाय को कैसे कैसे बताया गया है। गुरुजियों की आवाज़ में ही इसको डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो भी पितरों से संबंधित कोई भी हम उपाय करते हैं उसको दक्षिण दिशा में ही किया जाता है, और जो आज का उपाय जो बताया गया है उसको रखना कहाँ पर है आगे की डिटेल हम वीडियो में सुनेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी दिशा बता रही हूँ, उसको दक्षिण साइड रखना है। जो आपके मेन गेट की जो दक्षिण दिशा है वो आपको खुद देखनी है कि आपके मेन गेट की दक्षिण दिशा किस साइड लगती है, उसको वहीं रखना है। और आइए सुनते हैं गुरुजियों के द्वारा आगे की वीडियो में। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है।